नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपोलो टायर शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग देखेंगे, स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी लेवल्स को आपको ध्यान से नोट डाउन करना है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपोलो टायर शेयर के ऊपर, तो अपोलो टायर अभी जो है आपको लाइव मार्केट चल रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में क्यों बोल रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 250 to 260 ये एक आपको रेसिस्टेंस जोन है। बहुत टाइम से स्टॉक इस लेवल के अराउंड आपको यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। इस लेवल को क्रॉस करने का मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुआ है, बट स्टॉक जो है यहाँ पे आपको इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। करंटली अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको नीचे में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया, और उसके बाद से स्टॉक में जो है एक जबरदस्त तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल पे करंटली अगर देखेंगे, वापस से इस लेवल को मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा चांस होता है जो यहाँ पे आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद स्टॉक उस लेवल को ब्रेक कर दे। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम के चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे, तो वॉल्यूम में हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फरवरी मंथ के बाद जो है आपको आज का सेशन ऐसा सेशन है जहाँ पे कि आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो वॉल्यूम में बहुत ही सिग्निफिकेंट आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम जो आपको वॉल्यूम इतना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला था, वो था आपको यहाँ पे मार्च का, 2nd of March को जो है आपको इतना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला था। और उसके बाद से जो है स्टॉक कंटिन्यूसली आपको साइडवेज ही रहा था, रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन आज बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से जो है इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे स्टॉक 260 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है या क्लोजिंग कर देता है डेली बेसिस पे, तो फिर इमीडिएटली यहाँ पे हम लोगों को 15 to 20% का एक बहुत ही ट्वीट सा अपमूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस लेवल पे आपको कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक बार अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ऊपर के लेवल पे हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बात अगर करें हम लोग वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे भी क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे देखने में आ रहा है जो स्टॉक जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हायर प्रोबेबिलिटी है जो आपको स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर दे। साथ ही साथ अगर हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर भी ध्यान देंगे, तो मंथली चार्ट में भी सेटअप जो है ऑलमोस्ट आपको इसी टाइप का यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग बात करें कंटिन्यूसली 250 के लेवल के ऊपर जो है काफी टाइम से स्टॉक क्लोज करने का कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहा है। बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन नीचे से बायर भी उतने ही ज्यादा स्ट्रांग है। बायर भी आपको इस स्टॉक को नीचे जाने देने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो इस स्टॉक में हम लोगों को शॉर्ट का फ्रेम गेयर देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से जो है स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्टॉक वापस से जो है यहाँ पे आपको 300 का लेवल टच कर सकता है, और अगर एक बार 300 के लेवल के ऊपर निकल गया, अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया, तो वापस से इस स्टॉक में जो है हम लोगों को फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, आपको इस स्टॉक पे जो है जरूर नजर बना के रखना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में है तो आप यहाँ पे जो है बने रह सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो एक बार 260 के ऊपर डेली कैंडल को क्लोज होने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे जो है अपना पोजीशन बनाने के लिए देख सकते हैं। हो सकता है 1 to 2 दिन स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दे, तो ये जरूरी नहीं है जो स्टॉक आज ही ब्रेकआउट देगा, लेकिन आपको अभी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी है जो स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर देगा। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।